नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका ठाकुर। राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर होंगे। लोकसभा अध्यक्ष का नाम घोषित किए जाने के साथ ही पीएम मोदी ने एक बार फिर से अपने फैसले में सबको चौंका दिया है, जहां ओम बिरला की पत्नी अमिता बिरला ने कहा है कि यह हमारे लिए बहुत ही गर्व और खुशी का क्षण है, हम उन्हें चुनने के लिए कैबिनेट के लिए बहुत ही आभारी हैं। बहरहाल, राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर होंगे और ओम बिरला आज ही अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके बाद बुधवार को सदन में इस पर मतदान होगा, क्योंकि एनडीए के पास लोकसभा में बहुमत है, ऐसे में उनका ही लोकसभा स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। हाँ, तो एकदम वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द हायर कैबिनेट, जो इसलिए इन्होंने ओम जी को चूज़ किया। बहुत खुशी का क्षण है, बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी सबके साथ बांटने में ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी सब हमारे परिवार वाले सब आएंगे, देन वी विल एंजॉय। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर बनाए जाने से कोटा में ओम बिरला के समर्थकों में खुशी का माहौल है, जहां घर के बाहर कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है और साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से घर के बाहर आतिशबाजी की जा रही है। जश्न मनेगा नहीं, जश्न मनना शुरू हो गया है। सुमित, इस वक्त हम ओम बिरला के घर के बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ पर आपको बता दें, राजस्थान से ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर चुना गया है। यह कोटा के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है, जहां इसको लेकर पूरे कोटा में खुशी का माहौल बना हुआ है। ओम बिरला के घर के बाहर आतिशबाजी कर रहे हैं लोग और जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं और एक अलग ही खुशी उन लोगों में देखने को मिल रही है। कार्यकर्ता को इतना बड़ा पद, जो देश में ही नहीं विदेश में ही सम्मानित पद होता है, तो ये तो पार्टी का है कि वहाँ पे पार्टी किसी को भी कोई भी पद जो कार्यकर्ता होता है उसको पद से देखकर सम्मानित कर सकती, उसका मान सम्मान बढ़ा सकती। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और साथ में ही माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतने से छोटे से कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर जो सम्मानित गौरवान्वित किया है, उसके लिए हम राजस्थान के सभी मतदाता कार्यकर्ता, विशेष रूप से हाड़ोती के और विशेष रूप से कोटा संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देंगे। जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है वो दिन आज हमारे लिए, एक दिन कार्यकर्ताओं ने जितनी मेहनत करी थी उसको सपना साकार किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने किया। आज ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर बने हैं वो उनके द्वारा कार्यकर्ताओं के साथ की गई मेहनत के साथ साथ अब गरीब जनता का जो विश्वास जीता, आम जनता का जो विश्वास जीता, सब लोगों से जो सहयोग से सारे कार्य किया, जनता की दुआएं लगी हैं उनको, जनता का प्रेम उनके साथ है।
राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला अब लोकसभा के नए अध्यक्ष होंगे। सत्तावन वर्षीय ओम बिरला 3 बार विधायक रह चुके हैं। बिरला कोटा से लगातार 2री बार सांसद बने हैं। तो वहीं इसी खबर पर चर्चा के लिए हमारे संवाददाता कोटा से संजय दत्ता हमारे साथ जुड़े। जी संजय, कोटा में एक अलग ही जश्न का माहौल है। ओम बिरला का नाम लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुना गया है, किस तरह का माहौल अभी वहां बना हुआ है? ये कोटा के लोगों के लिए एक अप्रत्याशित खुशी का माहौल बन गया जी। जब लोगों को, कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि इस तरह से ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, तो उनके घर के बाहर लोगों का जमावड़ा इकट्ठा हो गया। लोग खुशी में पटाखे बांट रहे हैं, मिठाइयां बट रही है, ढोल नगाड़ों पर नृत्य कर रहे हैं। कोटा, पूरे कोटा संभाग की बात करें तो पूरे कोटा संभाग में खुशी का माहौल हो रहा है जी। संजय जी, देखा जाए तो सामाजिक कार्यों में एक अलग ही भूमिका देखने को मिली है हमेशा ओम बिरला की। चाहे गरीब हो, असहाय हो या रोगियों के लिए उन्होंने 50 लाख की सहायता राशि भी दिलाई थी, तो लोगों के दिलों में एक उन्होंने एक अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन प्रदेश स्तर से उठकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना ये एक बड़े ही गौरव की बात है। तो प्रदेश के जो लोग हैं, खासकर कोटा जिले के लोग हैं, उन्होंने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी कि इस तरह के उनके सांसद लोकसभा स्पीकर बनेंगे। तो उनके लोगों का क्या कहना है वहां का? देखिए, हाड़ौती की बात करें तो वर्तमान में ओम बिरला से बड़ा नेता किसी भी पार्टी के पास नहीं। उनके सामाजिक कार्य, राजनीति को अगर हटा दिया जाए तो उनके जो सामाजिक कार्य है वो, और उनका पूरा परिवार बरसों से सामाजिक कार्यों में जुटा हुआ, उसमें बिरला परिवार की अलग ही छवि नजर आती है। उनके बड़े भाई, उनके पिताश्री, ये अलग ही सामाजिक कार्य के लिए जाने जाते हैं। और वहाँ कोटा की जनता की बात करें तो पूरे हाड़ौती में खुशी की लहर है। जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है तो उससे देख के कहीं नहीं लगता है कि इनका कोटा वालों के लिए इससे बड़ी बात हो सकती है। हाड़ौती के लिए पहली बार इतने बड़े पद पर किसी नेता का पहुंचना, सांसद का पहुंचना कोटा वालों के लिए अलग ही तोहफा दिया गया है जी। बिल्कुल संजय, हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार। जी अजय जी, राजस्थान में गौरव की बात कहेंगे कि ओम बिरला को चुना गया है लोकसभा स्पीकर के तौर पर, इसे किस रूप में देखते हैं आप? जी हेलो जी अजय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अजय जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अब आइए बताएं क्या करेंगे। अजय जी, राजस्थान से चुना गया है लोकसभा स्पीकर इस बार, ओम बिरला का नाम जो कि किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी, अब लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं, आप किस रूप में देखते हैं इसे? देखिए, ये मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र के लिए अच्छी परपाटी है कि हिंदुस्तान में ये सर्वाधिकार प्रधानमंत्री जी का और जिस दल की सरकार होती है उसका होता है जी। तो कांग्रेस पार्टी और हम लोग बधाई देते हैं जिसको भी चुना गया है, योग्यता है। और चाहे, हम तो चाहेंगे कि देश हित में, व्यापार हित में, समाज हित में, रोजगार हित में ये सरकार जिस मैंडेट के साथ, जिस उम्मीद के साथ जनता ने इनको दिया है और चुना है, उन वादों को पूरा करें। कांग्रेस पार्टी हर तरह से हर सही चीज पर समर्थन करेगी, और जो भी चीज जनता के हित में नहीं होगी, जो भी चीज गलत होगी या जिसमें भी तानाशाही की प्रवृत्ति होगी, हम उसका लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करेंगे। हम बधाई देते हैं इसके लिए ओम जी को, राजस्थान के लोगों को, राजस्थान के सांसद को और बीजेपी सरकार को। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप भी ये मानते हैं कि जो लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुना गया है ओम बिरला को, वह एक सही निर्णय लिया गया है मोदी सरकार की ओर से? देखिए, जब मोदी सरकार साहब का निर्णय है तो वो सही, और जब चुना गया है तो स्पीकर बड़ी चीज होती है, तो इसमें हम उनका अपना अंदरूनी मामला है, लोकतंत्र का मामला है, तो लोकतंत्र की परंपराओं का ध्यान रखें। हम चाहेंगे कि अब लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है और संसद में
सारे लोकतांत्रिक तरीके से सारी चीजें जो पिछली सरकार में सरकार को जो मैंडेट मिला था, जो वादे किए थे लोगों की, जिन उम्मीद पे सरकार खरी नहीं उतरी, वो चीजें मैं समझता हूँ इस बार। अच्छा जी, ओम बिरला को एक अच्छे इंसान के तौर पर आप किस तरह से देखते हैं? तो आपको बता दें, राजस्थान के कोटा से सांसद ओम बिरला लोकसभा के नए स्पीकर चुने गए हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले रहे थे हम संजय दत्ता से, कोटा संवाददाता है हमारे। संजय जी, कोटा के विकास में कितनी अहम भूमिका रही है ओम बिरला की? देखिए, कोटा के विकास की बात की जाती है तो कोटा के विकास के लिए याद किया जाता दो ही लोगों को जी, ओम बिरला, और कांग्रेस की बात करें तो शांति धारीवाल की, जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में मंत्री है और दोनों पावर नेता है। और ओम बिरला की कुछ सबसे बड़ी खूबी इस चीज को माना जा सकता है कि इनका बूथ मैनेजमेंट चुनाव के दौरान देखा जाता है, उसको लेकर तो विपक्ष भी इसके बूथ मैनेजमेंट का लोहा मानते हैं जी। संजय जी, 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद बने हैं, अब लोकसभा स्पीकर। तो एक जो उनका राजनीतिक सफर जो छोटे से शुरुआत हुई है, अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं, इस दौरान क्या कुछ बदलाव देखने को मिले हैं? देखिए, बदलाव की बात करें तो हम भी तकरीबन 25 वर्षों से ओम बिरला के राजनीतिक सफर को देख रहे हैं। एक छोटे से कार्यकर्ता से लेके अभी तक लोकसभा अध्यक्ष बनने तक भी उनका व्यवहार वही रहा है जो कार्यकर्ता के रूप में रहा। संघर्ष करने की उनकी क्षमता, नेतृत्व की उनकी क्षमता को कोई चुनौती नहीं दे पाया। और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं की पार्टी के लिए फौज खड़ी की, उसे देखते हुए आने वाले टाइम में भी उनका कद और बढ़ने की संभावना है राजस्थान की राजनीति में जी। संजय जी, देखा जाए तो अक्सर जो ओम बिरला का नाम आता है, जब भी कोई त्रासदी होती है उसमें वो अपनी योगदान देते हैं, और उसके अलावा गुजरात में भी उन्होंने इस तरह की सहायता राशि दी थी। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में तब से ही ओम बिरला आ गए थे। देखिए, ओम बिरला की बात की जाए तो उनके निवास पर जब वो घर पे रहते हैं तो ज्यादातर लोग, वो उन लोगों की संख्या ज्यादा रहती है जो असहाय या बीमार या किसी भी सहायता के लिए। ओम बिरला ने अपनी पूरी टीम को इस काम के लिए, सामाजिक काम के लिए खड़ी कर रखी है, टीम जो सामाजिक कार्यों में दिन रात लगी रहती है, और जिसकी वजह से ओम बिरला की छवि राजस्थान के और हाड़ौती के राजनीति में एक अलग मुकाम लिए हुए है जी। धन्यवाद संजय जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं इसी खबर पर और हमारे साथ जुड़े हैं हरी कृष्णा, ओम बिरला जी के बड़े भाई है, हमारे साथ जुड़े हैं। हरी कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ सर, धन्यवाद आपको जी। हरी कृष्णा जी, आपको न्यूज इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई, ओम बिरला जी को लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुना गया है। एक उत्साह का माहौल देखा जा रहा होगा, खुशी होगी एक बड़े भाई को इस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर देखकर। बहुत उत्साह, बहुत बहुत उत्साह है। और जी, छप्पर बाढ़ के जो पद है पार्टी ने, और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पद दिया है, ओम को ये सम्मान दिया है, उस पद की गरिमा ओम किसी कोने से भी नहीं कम करना होने देगा जी। हरी कृष्णा जी, परिवार से निकलकर उन्होंने जिले की जिम्मेदारी संभाली, विधायक रहे, सांसद रहे, और अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुके हैं। संसद में अब वह अनुशासन मेंटेन करेंगे, मर्यादा बना के रखेंगे, और भी कोई सांसद अगर किसी तरह का बर्ताव करता है तो उसको दंड भी दिया जाएगा। तो परिवार के तौर पर देखा जाए तो उन्होंने कैसे मैनेज रखा और अब एक लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं? लोकसभा की जो गरिमा है, जो अध्यक्ष पद की गरिमा है जी, और जो सांसद की वो गरिमा है, उसी को, उसको किसी कोने से भी ओम कम नहीं होने देगा, उसको और बढ़ोतरी करेगा। पार्टी के आशीर्वाद से, सांसदों के से, मंत्रिमंडल के सहयोग से, उसको जरूर, उसको जो गरिमा है संसद की, भारतीय संसद की जो गरिमा है, उस गरिमा को 4 चांद लगाएगा जी। धन्यवाद हरी कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वही
इसी खबर पर हमारे साथ मनीष दादिच जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मनीष, राजस्थान का गौरव कहे जाने वाले अब ओम बिरला राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं, लोकसभा स्पीकर के तौर पर चुने गए हैं। शायद किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि एकदम से उनका नाम अचानक सामने आएगा, तो किस तरह का माहौल बना हुआ है खुशी का? जी निश्चित तौर पर कृतिका, बताना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो हमेशा अपने फैसले जो लेते हैं चौंकाने वाले होते हैं, और इसी तरह से एक चौंकाने वाला नाम लोकसभा स्पीकर पद के लिए जो आया है वो है ओम बिरला का, जो कि कोटा भारतीय जनता पार्टी में अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, बीजेपी का और बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कोटा में उनकी काफ़ी एक अच्छी खासी पैठ मानी जाती है, और कोटा साउथ से, कोटा दक्षिण से वो तीन बार विधायक भी रह चुके हैं। 2014 में वो पहली बार सांसद बने गए थे, उसके बाद में 2019 की जो है फिर से मोदी लहर जो आई थी एक, और उस इन चुनावों में दूसरी बार वो फिर से सांसद चुने गए, और उन्होंने कांग्रेस के राम नारायण मीणा को बड़ी ही एक जो अंतर था उन मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी थी। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और जो फैसला लिया है ये भी काफ़ी एक चौंकाने वाला है, और राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो लोकसभा का स्पीकर होंगे वो राजस्थान से होंगे, कोटा से होंगे, और वो भी एक बड़ा नाम है ओम बिरला। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हैं उनमें सबसे पहले नाम चल रहा था मेनका गांधी का, और जो एसएस अहलूवालिया हैं, ये दो बड़े नाम थे जिनका नाम चल रहा था लोकसभा स्पीकर को लेकर के। लेकिन मोदी सरकार ने फिर से एक बार यहाँ पर चौंकाया है, ना तो मेनका गांधी को कैबिनेट में कोई जगह मिली थी, ना एसएस अहलूवालिया को। जब मेनका गांधी को पूर्ववर्ती मोदी सरकार जो रही थी 2014 में, तब मेनका गांधी केंद्रीय मंत्री थी, लेकिन इस बार मेनका गांधी को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। तो वहीं पर एक ये कयास भी लगाने शुरू हो गए थे कि जिस तरीके से लोकसभा स्पीकर हैं उसके बतौर वहां पर नॉमिनेट किया जा सकता है मेनका गांधी को, लेकिन मेनका गांधी को यहां पर ना ला करके ओम बिरला को चुनना ये एक काफी एक चौंकाने वाला नाम है ये। कृतिका मनीष, कहीं ना कहीं सोमवार को जब बीजेपी की संसदीय दल की बैठक हुई थी तब भी उन्होंने नरेंद्र मोदी जी का यही कहना था कि तत्परता और निपुणता के आधार पर ज्यादा फोकस रहेगा, वरिष्ठता को इतनी अहमियत नहीं दी जाएगी। कहीं ना कहीं ओम बिरला जी का चयन करके भी यही संदेश देने की कोशिश की गई है। जी निश्चित तौर पर आपको बता दें कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है इसमें हमेशा जो फैसले चौंकाने वाले रहे, तो इसमें एक ये फैसला भी इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि इस बार भी सीनियरिटी को प्रायोरिटी नहीं दी गई है, वरिष्ठता को, जो वरिष्ठ नेता थे उनको यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई है। मेनका गांधी ओम बिरला से काफ़ी सीनियर मानी जाती है, पूर्ववर्ती मोदी सरकार के अंदर भी 2014 में भी वो केंद्रीय मंत्री रह चुकी थी, तो इस बार उनको दरकिनार करना ये एक समस्या पर है। तो निश्चित तौर पर जो ओम बिरला हैं उनकी जो पैठ है बीजेपी में वो अलग तरह की है, और ओम बिरला खास से करीबी भी माने जाते हैं ओम माथुर के, ओम प्रकाश माथुर के, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। तो निश्चित तौर पर जो ओम प्रकाश माथुर हैं, ओम माथुर हैं, वो करीबी हैं नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के। तो एक ये जो गणित देखने को मिलती है, राजनीतिक जो समीकरण आते हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि यहाँ पर अब जो है एक नए युग की शुरुआत होने वाली है राजस्थान की भाजपा पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में। और निश्चित तौर पर जिस तरह से लोकसभा स्पीकर उनको चुना गया है, तो ओम बिरला हैं वो काफ़ी दक्ष भी माने जाते हैं, उनको काफ़ी एक लंबा अनुभव भी रहा है, 15 साल वो विधायक रह चुके हैं, और लगातार 5 साल पहले वो सांसद रहे थे 2014 में चुने गए थे, और इस बार फिर से सांसद चुने गए हैं। तो उनके सांसदी के बतौर भी ये काफ़ी उनकी एक जो सक्रियता है उसका भी एक उनको ये फल मिला है। तो निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ से राजस्थान की जो पार्टी को हम देखें, तो यहाँ पर राजस्थान को मोदी कैबिनेट में काफ़ी एक तवज्जो दी गई है, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, और साथ ही साथ में फिर से अर्जुन राम मेघवाल को मंत्री कैबिनेट में जगह दी गई है। तो राजस्थान की एक अलग से एक पहचान बनी है केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व में, केंद्र की जो सरकार है वहाँ पर। इससे पहले जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब भी केंद्र में यहाँ पर राजस्थान से मंत्री जाते थे, लेकिन उस तरह का उनको वेटेज नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जो केंद्र है वहाँ पर वेटेज राजस्थान की या जो बीजेपी इसको काफ़ी तवज्जो दी गई है, क्योंकि तीन तीन तो आपके केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर भी यहाँ से राजस्थान से ही ओम बिरला होंगे, भारतीय जनता पार्टी से जो सांसद हैं वो उनको यहाँ पर चुना गया है सांसद के बतौर लोकसभा स्पीकर। और जो हमको सूत्रों से भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये है कि आज दोपहर तक उनके नाम की औपचारिक पूरी घोषणा हो जाएगी, और कल यानी कि बुधवार जो गणेश जी का वार माना जाता है, तो शुभ मुहूर्त देख करके लोकसभा स्पीकर के बतौर पद पर वो अपने
अपनी वहां पर अपने सीट को है जो विराजित होंगे वहां पर ओम बिरला। आपने भी कहा था काफी अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि केवल अनुभव ही नहीं और भी कई समीकरण होते हैं चुनने के, तो और क्या समीकरण रहे हैं उनको चुनने के? जी निश्चित तौर पर देखिए, एक अनुभव अपनी जगह रहता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है सबको साथ लेकर के चलने की। और जो लोकसभा स्पीकर होता है वो अपने आप में गरिमामय पद होता है और उनकी काफ़ी जिम्मेदारी होती है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी ये रहती है कि सत्ता पक्ष में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक मेजोरिटी मिली है, पूर्ण बहुमत मिला है, तो वहीं पर जिस तरह से कमजोर इस समय विपक्ष हैं, आपको बता दें कि संसद के सत्र की जो कल बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी ने जो ली थी, वहीं पर अभी तक भी कांग्रेस अपना नेता नहीं चुन पाई है, विपक्ष का नेता नहीं चुन पाई है। तो वहाँ पर यह सबसे बड़ी बात होगी कि जो लोकसभा स्पीकर हैं वो पूरा एकदम सभी को समान बिहेव करे, उनसे समान व्यवहार करे, सभी को एक पारंपरिक तौर पर जो एक मौका मिलता है वो सभी को एक डिबेट करने का वहाँ पर मौका दे, अपनी बात रखने का मौका दे। तो ओम बिरला हैं उस पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं, अनुभव भी उनके पास में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सबके चहेते भी हैं, सबको सुनते भी हैं, और उनको ये भी पता है कि कब वो किस वक्त किसको क्या मौका देना होगा, किसको कितनी बात अपनी रखने का यहाँ पर पटल में एक मौका दिया जाएगा। जो संसद है वहीं से नीतियाँ तय होती हैं, पूरा देश है जो संसद से चलता है, संसद में ही कई सारे जो हमारे संशोधन होते हैं विधेयकों में वो होते हैं, नए नए कानून हैं वहीं से लागू होते हैं, जनता के हित की बातें भी संसद में ही होती हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर ओम बिरला हैं वो काफ़ी एक मुफीद माने जाते हैं लोकसभा स्पीकर के पद के लिए, कि वो सभी को सुनेंगे, सभी का साथ लेंगे और सभी को अपने साथ में लेकर के चलेंगे। हम भी यही बात कर रहे थे, अभी अनुभव की बात कर रहे थे, काफी लंबा राजनीतिक सफर रहा है और कहीं ना कहीं इस राजनीतिक सफर में उनकी जो प्रबंधन क्षमता है वो काफी अच्छी देखने को मिली, तो कहा जा सकता है कि इसी प्रबंधन क्षमता को देखते हुए उन्हें लोकसभा स्पीकर चुना गया है। निश्चित तौर पर मैनेजमेंट अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है, और जो प्रबंधन क्षमता है ओम बिरला की वो किसी से भी छिपी हुई नहीं है। आपको बता दें कि कोटा से तीन बार, कोटा साउथ से कोटा दक्षिण से तीन बार विधायक चुनने के बाद में उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी की सरकार जो बनी थी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वहां पर पूरे देश में एक माहौल बना हुआ था 2014 में कि नरेंद्र मोदी की एक लहर है, लेकिन कोटा से सांसद बने गए ओम बिरला, वो अपने दम पर वहां से चुन करके आए थे और फिर से 2019 में फिर से वो जो सांसद बने गए हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर एक काफ़ी लोकप्रियता है और जो प्रबंधन है उनका वो काफ़ी दिलचस्प है, वो किसी से भी बेर नहीं है उनका, किसी के भी मन में बड़े जो नेतृत्व हैं उनमें किसी के भी खटास नहीं है, वो सभी के चहेते हैं। हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तो वसुंधरा राजे से भी उनके काफ़ी अच्छे संबंध हैं और उनका वसुंधरा राजे से भी अच्छा प्रेम संबंध एकदम वैसा रहा हुआ है कि उनकी एक गुड फेसबुक के अंदर वो आते हैं। वहीं पर ओम माथुर हैं, उनके भी वो उनके अच्छे संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं पर ओम जो बिरला हैं उनका एक सभी से एकदम अच्छा सामंजस्य सभी से देखने को मिलता है यहाँ पर। जी मनीष, अगर राजस्थान की राजनीति की बात की जाए तो राजस्थान से बड़े मंत्रियों को चुना गया है, अब लोकसभा स्पीकर के लिए चुना गया है ओम बिरला को, तो एक जो राजस्थान की राजनीति है उसमें उठाव देखने को मिल रहा है लगातार, नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह फोकस कर रहे हैं राजस्थान पर, इसे किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, आज तक एक बात कही जाती थी कि जो देश की सत्ता है, देश का जो दिल्ली है उसकी सल्तनत का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो हिंदी भाषी जो राज्य हैं जहाँ से राजस्थान में भी 25 सीटें लोकसभा की आती हैं, तो राजस्थान भी अब एक अपने आप में काफ़ी मायने रखने लगा है केंद्रीय नेतृत्व के अंदर, केंद्रीय राजनीति में, चूंकि 2014 में भी 25 की 25 लोकसभा सीटें यहां से भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी और इस बार भी 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली है और सभी की सभी 25 सीटें फिर से बीजेपी के खाते में गई हैं, फिर से सभी 25 सीटों पर कमल खिलाएं। तो निश्चित तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व हैं वो भी ये मानने को तैयार हैं कि राजस्थान की जनता ने बीजेपी पर इतना विश्वास जताया है, इतना उनको प्रेम दिया है और सभी की सभी फिर से दूसरी बार और सभी की सभी 25 सीटें फिर से बीजेपी के खाते में डाली हैं, तो कहीं ना कहीं पर जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको भी समझना होगा कि यहाँ पर हमको राजस्थान को एक वेटेज देना पड़ेगा और उसी वेटेज की बदौलत आज राजस्थान से तीन तीन केंद्रीय मंत्री हैं और साथ ही साथ में ओम बिरला हैं, उनको लोकसभा स्पीकर पद पर चुना गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े नाम थे, मेनका गांधी, एस एस अहलूवालिया, जिनको कि लोकसभा का स्पीकर बनाया जा सकता था,
उन सभी बड़े नामों को दरकिनार करके ओम बिरला को यहाँ पर चुना जाना अपने यही एक गौरव की बात है कि बड़े नामों को दरकिनार करके ओम बिरला जी को चुना गया है। ये राजस्थान के लिए एक खुशी की बात है, गौरव की बात है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें, राजस्थान से लोकसभा स्पीकर का चयन किया गया है, तो राजस्थान के लोगों को एक उम्मीद है कि राजस्थान जो निरंतर प्रगति के तौर पर है, लोगों को चुना जा रहा है, केंद्रीय मंत्री भी चुने गए हैं, लोकसभा स्पीकर का चयन किया गया है, तो एक राजस्थान के लिए खुशी की बात है और एक उत्साह का माहौल फिलहाल देखने को मिल रहा है राजस्थान में। तो फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार। चेन्नई में एक बस पर सवार 20 से ज्यादा बच्चे अचानक एक साथ बस से गिर गए। जब गर्मियों की छुट्टी के बाद कल स्कूल खुले थे और सरकारी बस में सवार होकर ये बच्चे कॉलेज के नाम के नारे लगाते हुए स्कूल में डांस करते हुए सफर कर रहे थे कि तभी बस वाले ने ब्रेक लगा दी और ब्रेक लगते ही बच्चे बस के आगे गिर गए। घटना सोमवार की है और पुलिस की अनुसार पच्चई अप्पास कॉलेज के छात्र महानगर परिवहन की बस संख्या 40A में सवार थे और छात्रों से बस पहले ही भर चुकी थी, जहां कंडक्टर और चालक के मना करने के बावजूद भी कई सारे छात्र बस की छत पर चढ़ गए और पूरे रास्ते कॉलेज के नाम के नारे गाते रहे और डांस करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब बस के आगे भी बाइक पर कॉलेज के छात्र चल रहे थे, तो वहीं आए वारनम के पास अचानक बस के आगे बाइक पर चल रहे एक छात्र ने ब्रेक लगा दी और बस ड्राइवर को भी ब्रेक लगाना पड़ा, जिसके चलते बस की छत पर सवार करीब 20 छात्र संतुलन खोकर धड़ाम से गिर गए। जब पुलिस पहुंची, तब तक डर के मारे सभी छात्र वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने करीब 13 छात्रों से पूछताछ की, फिर उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। कॉलेज खुलते समय अपनी जान को जोखिम में डालकर स्टंट करने का चेन्नई का यह कोई पहला मामला नहीं है। वैसे तो नेताओं को कुर्सी से बहुत प्यार होता है, लेकिन महाराष्ट्र के अमरावती में कुर्सी ही नेताजी के लिए आफत बन गई है। जिन कुर्सियों को कार्यकर्ताओं के लिए बैठने के लिए लगाया जाता था, उसी कुर्सी से कार्यकर्ता नेताजी को पीटने लगे। दरअसल अमरावती में बीएसपी के राज्य प्रभारी संदीप ताज ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बैठक बुलाई थी और इस बैठक में कार्यकर्ताओं ने राज्य प्रभारी पर टिकट बेचने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। तो इसी बीच कुर्सी पर बैठा एक कार्यकर्ता बीएसपी नेताओं के पास जा पहुंचा और कुर्सी उठाकर मंच पर बैठे बीएसपी नेता को दे मारता है। इसके बाद हंगामा बढ़ता देख बीएसपी के नेता सीट से उड़कर वहां से खिसकने में भी अपनी भलाई समझते हैं। कार्यकर्ता टेबल पलट देते हैं और कार्यकर्ता मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो वहीं मीटिंग से बाहर निकलते वक्त भी नेताजी पर ताबड़तोड़ कुर्सियां बरसाई जाती हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र के अमरावती में नेताओं में कुर्सियां उठाकर मारने का दौर चला है। जो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह ये बहुजन समाजवादी पार्टी की एक मीटिंग चल रही थी और इसी मीटिंग में कार्यकर्ता जोश में आ गए और किसी बात को लेकर गुस्सा इतना फूट पड़ा कि मंच पर आकर कुर्सी उठाकर नेताजी को ही मारने लगे। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां बीएसपी कार्यकर्ताओं की मीटिंग चल रही थी कि इसी दौरान एक कार्यकर्ता खड़ा हुआ और मंच पर बैठे नेताओं को कुर्सी देकर मारने लगे और उसके बाद ये कुर्सी मारने का जो दौर है वो लगातार शुरू हो गया। कार्यकर्ता आपस में भिड़ने लग गए और एक दूसरे पर कुर्सी उठाकर वार करने लगे।
देखिए किस तरह से बाहर निकलते निकलते भी नेताजी को कुर्सी उठाकर पीटा जा रहा है।